Hello everyone. So in the previous video we have already discussed about the testing of cement. Okay. So in this video we will going to discuss about the types of cement. Okay. So let's start. तो देखिए सीमेंट का बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में और डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडिंग अपन द एटमोस्फेरिक कंडीशन, डिपेंडिंग अपन द स्ट्रक्चर कंडीशन, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए जो भी हमारे पास अलग अलग टाइप के सीमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें से देखिए हमारे पास पहला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो आप लोग नाम से इसको समझ सकते हैं कि क्या है। रैपिड हार्डनिंग मीन्स जो इसमें जो हार्डनिंग होता है वो रैपिडली होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो हम लोग जनरल कंस्ट्रक्शन में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दैट इज ओपीसी सीमेंट जिसको हम लोग यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो जल्दी सेटिंग होता है, मीन्स सेटिंग टाइम कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, राइट। तो देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज हाई, मींस जो स्ट्रेंथ डेवलप होता है मींस सेटिंग होता है वो बहुत ही कम टाइम में होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि 3 डेज स्ट्रेंथ जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का वो किसके बराबर होता है, 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी सीमेंट, मींस ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो स्ट्रेंथ 7 दिन में होगा उसका स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना, 3 दिन में ही हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो जब ये इतना जल्दी सेटिंग हो जाता है तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो ऐसा जहाँ पे इमरजेंसी वर्क होता है, ठीक है, तो वहां के लिए हम लोग का सुटेबल होता है। मीन्स जैसे बहुत जगह पे ऐसा वर्क हो जाता है कि तुरंत हम लोग को क्या करना है, सीमेंट का कास्टिंग करना है और तुरंत क्या है उसका जो फॉर्म वर्क है रिमूव करना पड़ जाता है, ठीक है। जैसे ज्यादातर देख सकते हैं रेलवे ओवरब्रिज, ठीक है, के काम में क्या होता है ड्यूरेशन बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, फॉर्म वर्क को लगा के रखने के लिए। तो उस टाइप के वर्क में हम लोग क्या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास है लो हीट सीमेंट, इसको भी आप लोग नाम से समझ सकते हैं क्या है, लो हीट। तो जब क्या करते हैं हम लोग सीमेंट में पानी मिक्स करते हैं तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होता है, ठीक है, तो वो बहुत ही कम अमाउंट में जनरेट होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लो हीट सीमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट हैज लो रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड स्लो रेट ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ, सो इट इज सुटेबल फॉर डैम एंड ब्रिजेस। क्या होता है इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, स्लो रेट से होता है, इसी के वजह से क्या होता है इसमें जो स्ट्रेंथ गेनिंग होता है, ठीक है, वो काफी स्लोली होता है एज कंपेयर टू द ओपीसी सीमेंट। इसीलिए हम लोग इसको क्या डैम में और ब्रिजेस के वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या लो हीट सीमेंट। और इसका जो 7th डे स्ट्रेंथ होता है वो कितना होना चाहिए, 16 मेगापास्कल से कम होना चाहिए, तभी जाके हम इसको क्या लो हीट सीमेंट बोलेंगे, अदरवाइज इसको हम लोग लो हीट सीमेंट नहीं बोल सकते। अगर 7 दिन में जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सीमेंट का वो अगर 16 मेगापास्कल से ज्यादा आ गया तो उसको हम लोग लो हीट सीमेंट नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट सीमेंट इज सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एरिया होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है सल्फेट का अटैकिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ एरिया में हम लोग जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है तो हम लोग क्या सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस एरिया में सल्फेट को रेसिस्ट करने के लिए क्षमता होना चाहिए सीमेंट में, तभी जाके हम लोग क्या उस टाइप के स्ट्रक्चर को लॉन्ग लास्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का यूज करते हैं और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या SRC से भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ओपीसी इज हाईली ससेप्टिबल टू अटैक ऑफ सल्फेट, टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ सल्फेट इन द स्ट्रक्चर SRC इज यूज। क्या होता है कि ओपीसी सीमेंट क्या होता है वो क्या होता है कि सल्फेट का जो अटैक होता है
उसको रेसिस्ट करने में एबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, टू रेसिस्ट द अटैक ऑफ सल्फेट वी विल यूज सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, SRC इज यूज्ड इन द फाउंडेशन वर्क, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क, मरीन स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइप्स इन मार्सी एरियाज, ठीक है। तो इस टाइप के जगह में हम लोग क्या करते हैं, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट को यूज कर सकते करते हैं, ठीक है, या फिर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में, सीवेज में और मरीन स्ट्रक्चर में, ये सब में क्या होता है, सल्फेट का अटैक ज्यादा होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो हम लोग वैसे जगह में क्या, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे तीन हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो इसका नाम में एक पता चल रहा है क्या, स्लैग। तो इस टाइप के जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है, इसमें क्या होता है, एक एडिशनल टर्म यूज हुआ है क्या, स्लैग। तो स्लैग क्या होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस से एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है उसको हम लोग स्लैग बोलते हैं। जो ग्रेनुलेटेड पार्ट में होता है तो उसको हम लोग मिक्स करते हैं सीमेंट में, ठीक है। जब मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बता रहा था तो उसमें मैं बताया था क्या, सीमेंट में जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, या तो कैलकेरियस मटेरियल एंड एग्रिलेसियस मटेरियल, प्लस जब हम लोग उसको किल्न में बर्न करते हैं तो उसके बाद जब बॉल मिल में ले जाते हैं तो क्या मिक्स करते हैं, उसमें हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सीमेंट क्लिंकर के फॉर्म में आता है, ठीक है, सॉरी, सीमेंट क्लिंकर में हम लोग क्या, जिप्सम को ऐड करते हैं बॉल मिल में, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या, जनरल जो सीमेंट होता है उसमें क्या, सीमेंट क्लिंकर या फिर रॉ मटेरियल जिसको एग्रिलेसियस और कैलकेरियस मटेरियल होता है, और लास्ट में हम लोग क्या, जिप्सम ऐड करते हैं। तो दो चीज से मिक्स होके बना हुआ होता है। तो उस टाइप के सीमेंट में एक्स्ट्रा हम लोग क्या, ब्लास्ट फर्नेस से स्लैग को एक्स्ट्रा मिक्स करते हैं, तो इस टाइप के सीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बोलते हैं, ठीक है, राइट। तो देखिए पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट क्या होता है कि ये हाई ऑफर रेसिस्टेंट करता है अगेंस्ट द अटैक ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट। ये भी क्या होता है, सल्फेट और क्लोराइड के अटैक को रेसिस्ट करता है, ठीक है। तो जहां पे हम लोग का क्लोराइड या क्लोरीन का अटैक या फिर सल्फेट का अटैक ज्यादा होगा, उस जगह पे भी हम लोग क्या, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास था कुछ इम्पोर्टेंट सीमेंट का टाइप। अब देखिए कुछ कुछ जो है और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अदर सीमेंट्स है वो क्या है, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम लोग जनरल कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है PPC सीमेंट जो होता है, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट होता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा है, मैंने अभी डिस्कस किया था रैपिड हार्डनिंग, एक होता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, मींस जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है उससे भी कम टाइम होता है उसका सेटिंग टाइम का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है, और नेक्स्ट है सुपर सल्फेट सीमेंट। ये क्या होता है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट होता है, उसमें नॉर्मल सल्फेट को रेसिस्ट करने का क्षमता होता है, इसमें क्या होता है, उससे भी ज्यादा सल्फेट को रेसिस्ट करने का क्षमता होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफोबिक सीमेंट, एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया अदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या, टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रेड ऑफ सीमेंट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, खास करके SSC JEE लाइक ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो देखिए सीमेंट को हम लोग तीन टाइप में डिवाइड किए हैं बेस्ड ऑन द ग्रेड, ठीक है। तो कौन कौन सा है, फर्स्ट है 33 ग्रेड सीमेंट, सेकंड है 43 ग्रेड सीमेंट, एंड लास्ट वन इज 53 ग्रेड सीमेंट, ठीक है। तो देखिए 33 ग्रेड सीमेंट क्या होता है कि उसका जो स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, वो कितना होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, मीन्स 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ग्राम में होना चाहिए। अगर इतना होता है तब उसको हम लोग क्या, 33 ग्रेड सीमेंट बोलेंगे, ठीक है। और 43 ग्रेड सीमेंट क्या होता है कि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होना चाहिए, मीन्स एक ग्राम अगर हम 43 ग्रेड सीमेंट लेंगे और उसको हम प्लेन एरिया में स्प्रेड करेंगे तो कितना स्प्रेड होना चाहिए,
3400 सेंटीमीटर स्क्वायर स्प्रेड होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हम लोग उसको क्या 43 ग्रेड सीमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है 53 ग्रेड सीमेंट, इसका क्या होना चाहिए, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो ग्रेटर देन 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होना चाहिए। मीन्स 1 ग्राम सीमेंट में कितना 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा एरिया कवर करना चाहिए, तब जाके हम लोग इसको क्या 53 ग्रेड सीमेंट बोलेंगे। अब देखिए ये था हमारे पास बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करें तो 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है उसका जो स्ट्रेंथ होना चाहिए 28 डेज में 33 मेगा पास्कल होना चाहिए, 43 ग्रेड के लिए 43 मेगा पास्कल होना चाहिए और 53 ग्रेड के लिए 53 मेगा पास्कल मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन द ग्रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास था ग्रेड ऑफ सीमेंट। अब देखिए जब हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करते हैं तो हमारे पास आता है कि स्ट्रेंथ हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हम लोग चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्यूब का यूज करते हैं, जिस क्यूब का साइज कितना होना चाहिए 7.06 सेंटीमीटर इंटू 7.06 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, वो सीमेंट मोर्टार का बना होना चाहिए इन द रेशियो ऑफ 1:3। यहाँ पे पूरा देखिए, ग्रेड ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो स्पेसिफाइड फ्रॉम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मोर्टार क्यूब विच इज प्रिपेयर्ड बाय 1:3 रेशियो एंड क्यूब साइज इज 7.06 सेंटीमीटर इंटू 7.06 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूछा जाता है एसएससी जेई में कई बार पूछ चुका है, ठीक है, कि जो है सीमेंट क्यूब मोर्टार जो होता है उसका एक क्यूब का एरिया कितना होता है या फिर साइज कितना होता है, ठीक है, या फिर वो कितने रेशियो में मिक्स किया जाता है, ठीक है। ये रिसेंटली हमारा जेपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये वीडियो खत्म होता है और इसी के साथ हमारे पास सीमेंट का जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग लाइम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।